मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए रुक करते हैं अब अपनी खबर की। राजकीय स्कूल सामल के क्रमान्वित होने पर आयोजित हुआ स्वागत समारोह। सायरा पंचायत समिति के सामल में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीनियर सेकेंडरी के क्रमान्वित होने पर ग्रामवासियों द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस नेता देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला और पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया, प्रधान सवाराम गमेती सहित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जनता को बताया। वही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार में आम लोगों को इलाज के लिए आर्थिक मदद भी दे रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सभी लोगों को इसका ज़्यादा फायदा भी लेना चाहिए। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि नवीन ग्राम पंचायत बनने और पंचायत से उच्च प्राथमिक स्कूल से उच्च माध्यमिक स्कूल के क्रमान्वित होने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। साथ ही कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और पेट्रोल व डीजल और रसोई गैस के दाम सातवें आसमान पर है और लोगों को महंगाई ने कमर तोड़ दी है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगलाल गरासिया ने कहा कि सामल ग्राम वासियों के हर मांग को कांग्रेस सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। साथ ही गांव में स्कूल नहीं था और प्राइमरी स्कूल खुला है और आज आपके सहयोग से गहलोत सरकार के प्रयास से उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक हो चुका है। कार्यक्रम में ग्रामवासियों ने निवेदन किया कि वर्तमान स्कूल के मरम्मत का कार्य भी होना चाहिए, जिस पर सायरा प्रधान सवाराम गमेती ने इस कार्य के लिए एस्टीमेट बनवाकर आवश्यक राशि तुरंत उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। इस दौरान देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, प्रदेश महासचिव डॉक्टर मंगला गरासिया, प्रधान सवाराम गमेती, उप प्रधान भारत सिंह बारट, जिला परिषद सदस्य नरवर सिंह चंपावत, कांग्रेस विधानसभा मीडिया प्रभारी योगेश तेली, सरपंच प्रकाश गमेती और सरपंच मोतीलाल जोशी, बीओ सतीश जैन, प्रिंसिपल लोकेश लोहार, विद्यालय का स्टाफ और ग्रामवासी उपस्थित रहे। तो सीधा उसको एक हजार रुपया मिलेगा। लोगों को जानकारी में नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ गई है। आज कोई विधवा माता है उसकी उम्र 60 साल हो गई है, सीधा उसको 1500 रुपया मिलेगा। पालनहार योजना है उसका हम लाभ उठाएं। कई सारी समाज कल्याण की योजना चलती है, हमें जानकारी हमारे पास होनी चाहिए।